370, मैं कहूँगा धारा 370 के बारे में कि मैं क्या कहूँगा। धारा 370 वो अन्याय थी जो 1947 से चली आ रही थी, एंड हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने उसे रद्द कर दिया है। मेरे निजी तौर पे पर्सनली आई फील कि जो हुआ है द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है। लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अलग अलग राय होंगे, लेकिन मैं अपना निजी एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे लिए तो आई थिंक एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी को एड्रेस किया गया है और उसे अबॉलिश किया गया है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मैं देना नहीं चाहता क्योंकि हर किसी के अलग होते हैं और उसमें कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं, मगर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि इसके हटने से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख वहाँ के लोगों को जो सहूलियतें अब हमारी गवर्नमेंट देगी उससे वो खुश हो, खुशहाल हो और आबाद हो। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। अच्छा, अब मैं चूंकि मैं मीडिया के साथ बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं एक्टर हूँ और मेरा ये मानना है कि एक्टर अपने पर्सनल व्यूज़, अपने निजी ओपिनियंस को परे रखकर वो अपना किरदार पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से उसे दर्शाए। तो जब मैं ये कर रहा था, मैं पूरी तरह से ये बिलीव कर रहा था कि मैं वो मौलवी हूँ और ये जो ये कह रहा है, मैं पूरी निष्ठा के साथ और पूरी बिलीव के साथ जो मैं कह रहा था वो मैं कह रहा था, एंड आई वुड होप दैट वो उस तरह से स्क्रीन पर आया है, क्योंकि डबिंग के वक्त जो मुझे दिखा मुझे अच्छा लगा। एंड बस अब यही उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस फिल्म को देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि सराहेंगे, वो मेरे छोटे से इस एफर्ट को भी सराहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेरे पूरे करियर में जो अब 27 साल हो गए हैं, मुझे कभी भी किसी ने ऐसा किरदार कभी नहीं दिया, क्योंकि मेरी एक छवि रही है कि मोहन कपूर मतलब सूट बूट बड़ा ही रिच बिजनेसमैन, मुझे तो कहते भी सर एक विजय माल्या टाइप का कैरेक्टर है। आजकल तो लगता है कि विजय माल्या भी नेगेटिव टाइप कैरेक्टर ही है, मगर खैर ये सूट से हटकर मुझे ये पूरा एक मौलवी का पोशाक दिया गया, वो डायलेक्ट, वो जो लहजा था बोलने का, जो अल्फाज थे बोलने के वो दिए गए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर के और राइटर्स के और डायलेक्ट कोच के जिन्होंने मेरी मदद की। मैंने वही किया जो वो चाहते थे, थोड़ा बहुत मेरी इनपुट्स भी हैं उसमें। उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आए, मुझे बड़ा मज़ा आया ये करते हुए और मैंने पूरी बिलीव से ये किया। तो मैं ये झूठ नहीं कहूँगा कि मेरा दिल कुछ कह रहा था और मैं एक्टिंग कुछ कर रहा था, नहीं, मेरा दिल दिमाग और जुबान सब एक ही जगह पर थे कि मैं वो मौलवी हूँ और मैं वो जो कह रहा हूँ वही सत्य है। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, ये शायद मैं पहली बार मीडिया में कह रहा हूँ, म्यूज़िक और डांस को लेकर मैं हूँ ज़ीरो, बिल्कुल निकम्मा, मुझे उसका सा भी नहीं पता है, गारे माँ पा तो भूल ही जाओ। तो मुझे डांस और म्यूज़िक का कुछ भी नहीं पता, लेकिन म्यूज़िक कैसा लगता है सुनने में ये मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा है हमारे फिल्म का म्यूज़िक। एक गाने में मैं शामिल हूँ जिसमें कैरेक्टर के मुताबिक, कहानी के मुताबिक और उस सिचुएशन के मुताबिक ये मौलवी भी अपना दूसरा साइड, एक दूसरा एंगल दिखाता है, पर उस गाने में शामिल होते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज उस वक्त मैं उस धुन में, उसकी बीट्स में और राखी जी के परफॉर्मेंस में मैं टोटली समाया हुआ था। तो आई रियली एंजॉयड इट एंड आई एम ग्रेटफुल अगेन फॉर दैट। थैंक यू सो मच।